ये जो बताने वाले हैं इन्वेस्ट्रेट के फंक्शन का एक प्रोसेस है, कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा और इस एक्सप्रेशन को कैसे यूज करना है इसके बारे में, तो देखिएगा किस तरह का इसका यूज करते हैं। इसमें इसका एक्सप्रेशन है और इसका सब्स्टिट्यूशन है। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब a आगे और x पीछे रहेगा और माइनस में रहेगा तो x इक्वल टू a साइन थीटा या x इक्वल टू a कॉस थीटा। इसी प्रकार से अगर प्लस में रहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो a टैन थीटा या फिर a कॉस थीटा, x का संदर्भ मानना है। इसी प्रकार से देखिएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों में डिफरेंस है, इसमें x पीछे है इसमें x आगे है और माइनस में ही है। तो इस टर्म के लिए x बराबर a sec थीटा या x बराबर a cos थीटा, और इसमें देखिएगा रूट a माइनस x या रूट a प्लस x या इस तरह का, इस तरह का, तो x बराबर a cos 2 थीटा और इस तरह का जो प्रोसेस रहेगा तो a sin स्क्वायर थीटा, इस तरह से a tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा। अब इसका यूज कैसे करेंगे इसके बारे में, यूज जो है कैसे करना है, तो इसका क्वेश्चन जो है इस तरह का रहेगा और इसका यूज का तरीका क्या है तब देखिएगा कि y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सवाल इसमें है कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इस एक्सप्रेशन में कहां पे कौन सा फॉर्म पर ये सेट होगा इसमें देखना होगा। तो देखिए क्या कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो फर्स्ट का पोजीशन है, तो इस पे हम क्या करेंगे पुट x इक्वल्स टू x का संपर्क चाहे तो a sin थीटा या तो x बराबर a cos थीटा, तो हम a sin थीटा पुट करते हैं x बराबर a sin थीटा। अब इसमें हम देखिए जहां जहां x है वहां पुट कर देते हैं tan इनवर्स x के स्थान पर a sin थीटा, a इसे लिखा गया क्या है a है, अगर मान लिया 2 रहता तो 2 sin थीटा, 3 रहता तो 3 sin थीटा, इस तरह से सेट करते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस x का वैल्यू जो पुट हुआ a sin ए स्क्वायर और sin स्क्वायर x के स्थान पर। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसका क्या है कंडीशन ये देखिएगा कि ए स्क्वायर तो कॉमन है तो स्क्वायर जब बाहर होगा तो सिर्फ ए बचेगा, जो ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या ऊपर साइन थीटा, क्लियर। अब यहां पे वन माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा बचेगा क्या कॉस, क्लियर। अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि इसका जो टर्म हुआ साइन वाई कॉस टेन, अब यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा और कर सकते हैं थीटा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ऊपर में लिख दिया था मैंने कि फाइंड द डीसी ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x यानी x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में बनाएंगे लेकिन यहाँ पे अगर थीटा आ चुका है तो यहां से मैंने जो माने थे यहां से थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं देखिएगा इसका कंडीशन क्या है। x डिवाइड बाय sin थीटा, आप साइन को इधर आएंगे तो यह साइन इनवर्स एक्स बाई ए थीटा का वैल्यू, अब यहां पे पुट कर देते हैं थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्लियर। अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में लगाते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में आएंगे तो यहां पर काम कर सकते हैं साइन इनवर्स को डिलीट करेंगे तो एक्स बाई ए और यही एक्स बाई ऊपर जाएगा और एक्स बाई ए डी एक्स। अब यहां पर एक फॉर्मूला होता है क्या साइन इनवर्स एक्स का डीसी वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, और एक्स बाई ए का वन बाई ए, इस तरह से इसका कंप्लीट, इसमें से हम एलसीएम ले सकते हैं इसमें ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ऊपर जाएगा ए तो स्क्वायर से कैंसिल, इसको लिख सकते हैं
यानी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इनटू 1 बाय a, इसमें से a से कैंसिल, इसको बचेगा 1 बाय रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन को हम यूज कर सकते हैं। और भी इस पर क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे यूज करेंगे। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कौन सा फॉर्म को यूज करेंगे। तो देखिए तरीका बहुत आसान है, इससे पहले हम इनवर्स ड्यूरेटिव फंक्शन में ऐसा ही प्रोसेस पढ़े थे, उसमें भी यूज किए थे, लेकिन अब जो है डिफरेंशिएशन में कैसे यूज करते हैं उसको भी देखते हैं। जस्ट वैसा ही है जैसे हम इनवर्स ड्यूरेटिव फंक्शन यूज किए थे उसी प्रकार से इसमें यूज करना है। सिर्फ फर्क था क्या होता है कि इसमें यूज करने के बाद डिफरेंशिएशन लगा देना बस, तब नहीं। देखिए अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स रूट a माइनस x, a प्लस x, x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो मैंने प्रोसेस लिखाया है किस पर सेट करेगा। तो मैंने देखने कि फर्स्ट पर सेट नहीं कर सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ पर देने की, इस तरह का प्रोसेस जो है ना ऐसा ही है रूट a माइनस x, a प्लस x है ना। तो इसमें लिखा है कि x बराबर a cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। तो देखिए पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा, क्लियर है। तो देखिए जहां जहां x है वहां पुट करते हैं tan इनवर्स रूट a माइनस x के स्थान पर हम पुट कर रहे हैं a cos 2 थीटा, x के स्थान पर a cos 2 थीटा, क्लियर है। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं tan इनवर्स रूट a कॉमन कर लेते हैं, a कॉमन कर लेते हैं तो ऊपर से भी a कॉमन और नीचे से भी a कॉमन, दो रूट कॉमन कैंसिल हो गया तो बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला पहले एक पर लिख लेते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा, इसमें एक फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2 थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा और इसका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं क्या कि 2 से 2 कैंसिल होगा, sin में cos 10 और स्क्वायर रूट ऑफ कैंसिल, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा। अब इसमें भी लिख सकते हैं क्या कि tan इनवर्स tan थीटा तो थीटा, लेकिन x का रिस्पेक्ट बनाना है तो हमको थीटा का वैल्यू यहां से निकालना है क्योंकि ये पुट किया हुआ प्रोसेस है। तो x by a और हो गया cos 2 थीटा। अब यहां पे cos इनवर्स x by a बराबर 2 थीटा, ये 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 by 2 cos इनवर्स x by a, यहां पे पुट करते रहे 1 by 2 cos इनवर्स x by a। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखिए डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट टर्म बाहर आया, क्लियर, और cos इनवर्स x by a और cos इनवर्स को डिलीट करेंगे नीचे आएगा x by a और इसी प्रकार से ये जगह ऊपर चैन ऊपर सेट कर रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला cos माइनस x का माइनस 1 by रूट 1 माइनस x स्क्वायर, क्लियर, और x by a का 1 by a, क्लियर। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं, इसका कंप्लीट हम लिख सकते हैं क्या माइनस 1 by 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस तरह से मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं इसी प्रकार से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए अब इसमें देखना है कि इसमें किसी तरह पर सेट हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर सेट नहीं हो रहा है तो इसमें पहले उससे पहले हम देखेंगे कि कोई फॉर्मूला होने वाला है या नहीं। देखें कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसका एक इनवर्स ड्यूरेटिव फंक्शन में डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला पढ़े 2 tan इनवर्स x,
इसका फॉर्मूला 2 tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला है sin x 2xy plus x स्क्वायर। अब इस पे हम डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट का निर्माण और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ क्या tan x का 1y 1 plus x स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो इसी तरह से और भी प्रश्न आते हैं और ये जो है जितना भी पढ़े होंगे इनवर्स फिट फंक्शन का उसी का ये प्रोसेस है, क्लियर। और भी दूसरे तरीका क्वेश्चन किस तरह से रहेगा इसके बारे में बताते हैं। देखिएगा ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का ये क्वेश्चन है, क्लियर। कैसे ये बनेगा x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम एक काम कर सकते हैं tan इनवर्स 3x - x को अपॉन 1 - 3 का इसका डायरेक्ट डीसी निकालने से पहले देखें क्या इसका कोई फार्मूला होता है कि नहीं। कोई भी डिफरेंशिएशन लगाने से पहले उस फंक्शन का देखें कोई फार्मूला है कि नहीं, अगर फार्मूला है तो उसको फॉलो कोड करेंगे। देखिए इसके एक बगल में एक फॉर्म लिख दिए, इसका एक फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x। अब इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 tan इनवर्स का डीसी 1/1 plus x स्क्वायर, डीसी 1/1 plus x स्क्वायर। इस तरह से इसका क्वेश्चन को हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर अपॉन 1 plus x स्क्वायर। इसका हम देखेंगे कि ये इनवर्स मैट्रिक्स फंक्शन में इसका क्वेश्चन पढ़े हैं कि नहीं, तो ये पढ़े थे क्या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है 2 tan इनवर्स x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब इस पे हम डायरेक्ट डीसी लगाते हैं, तो डीसी लगाते हैं तो tan इनवर्स का डीसी 1/1 plus x स्क्वायर। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाए, अब सवाल होता है कि इसके पहले जस्ट जो क्वेश्चन बताया उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था sin इनवर्स 1 minus x स्क्वायर अपॉन 1 plus x स्क्वायर, लेकिन इस क्वेश्चन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए अपना सेंस लगाना होगा कि क्या x के स्थान पर पुट करने से इस प्रोसेस को हम छोटा कर सकते हैं, तो पुट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या कि क्या पुट करना है, तो इसमें हम x के स्थान पर tan थीटा पुट करते हैं, x के स्थान पर हम tan थीटा पुट करते हैं। देखिए x के स्थान पर tan थीटा, तो sin इनवर्स 1 minus x के स्थान पर tan का tan स्क्वायर थीटा और 1 plus tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और इतना का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना है, इतना का डायरेक्ट फॉर्मूला 1 minus tan स्क्वायर ay 1 plus tan स्क्वायर a, इसको 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे मल्टीपल एंगल cos 2a फॉर्मूला। तो जस्ट यहां भी देखिए इसी को यूज कर देते हैं cos 2 थीटा। अब यहां पे देखिए कि इससे भी कुछ और छोटा हो सकता है, तो देखिए sin इनवर्स, अब cos को हम लिख सकते हैं sin 90 minus थीटा, sin 90 minus cos थीटा, और यहां sin इनवर्स sin x बराबर क्या होगा x, क्लियर। लेकिन इस क्वेश्चन में x का रिस्पेक्ट का डीसी करना है, तो x का रिस्पेक्ट का जब डीसी करना है तो यहां पे x के स्थान पर जो है यहां थीटा जो है पुट करना होता है, tan को ये सेट कर देते हैं तो tan इनवर्स, तो थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x पुट कर सकते हैं, थीटा है थीटा हम निकाले tan इनवर्स x, देखिए पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसमें हम x का रिस्पेक्ट का डीसी लगाते हैं, तो x का रिस्पेक्ट का डीसी लगाएंगे, देखिए x का रिस्पेक्ट का डीसी तो पाई बाय 2 का डीसी होगा 0 और tan इनवर्स का डीसी 1/1 plus x स्क्वायर,
तो इस तरह से हम कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करते हैं। देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है cos इनवर्स 2xy1 plus x2। तो इसका भी कोई इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो इसमें भी कोई फॉर्म नहीं होता। इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि x के स्थान पर हम इसमें tan थीटा पुट करके क्लियर करते हैं। देखिए y इक्वल्स अब यहाँ पे cos इनवर्स 2x के स्थान पर tan थीटा y1 plus tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और ये हो गया cos इनवर्स 2 tan थीटा / 1 plus tan स्क्वायर थीटा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था sin 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ो ये फॉर्मूला को लिख देते हैं, यानी 2 tan a y 1 plus tan स्क्वायर a sin 2 a, क्लियर। देखिए यहाँ भी अब यहाँ cos इनवर्स है, तो इस साइन को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, क्लियर। और यहाँ भी देखिएगा cos इनवर्स cos x वर्ग का है x, क्लियर है। तो अब यहाँ पे इसे थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, जब इसी से निकाल सकते थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x पुट कर देते हैं, tan इनवर्स x जस्ट इसी वाला पार्ट आ गया है, देखिए इसी का प्रोसेस है। तो जैसे इसका मैंने डीसी निकाला वैसे इसका भी डीसी हो जाए, क्लियर। देख लीजिए इसका कांस्टेंट का डीसी 0 माइनस 2 और tan का डीसी का 1/1 प्लस x स्क्वायर, इस तरह से कंप्लीट हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, sin हर्स 2x रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्म होता है, मैंने साइन लिख दिया 2 sin inverse x, चूज कर दे 2 sin inverse x। अब यहाँ की डीसी में आते हैं x के रिस्पेक्ट का, तो 2 और sin inverse का डीसी का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, क्लियर। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, sec इनवर्स 1/2x2 - 1, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो sec को पहले हम cos में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो इसको पलट देते हैं, तो ये 2x2 - 1, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 cos इनवर्स x, क्लियर। इसका लिख देते फॉर्मूला cos इनवर्स 2x2 - 1, इसका हो 2 cos इनवर्स x, क्लियर। और इसका डायरेक्ट इसी बनाते हैं, इसका डायरेक्ट डीसी क्या हमारा x के रिस्पेक्ट में 2 और cos में इसका -1/√1 x2, तो इस तरह से इसका हम कंप्लीट डीसी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सप्रेशन के यूज कर सकते हैं और कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करके हम डीसी लगा सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन में किसी फंक्शन का डिफरेंस तभी हम निकाल सकते हैं जब वो फंक्शन ऑलरेडी छोटा है, अगर नहीं छोटा है तो चाहे फॉर्मूला आकर डिफरेंस आए या फिर डायरेक्ट डीसी लगा, क्लियर। क्लियर ठीक है। नेक्स्ट